शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर जगह जगह आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं। झांकियां देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय धमतरी की चैतन्य झांकी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लगातार 5 दिनों तक चलने वाले इस झांकी में 10 कन्याएं साक्षात देवी स्वरूप दर्शन दे रही है, जिसमें 9 कन्याएं माँ भगवती के नव रूपों में दिखाई पड़ती हैं। तो वहीं एक कन्या देवी ब्रह्मकुमारी के रूप में दर्शन दे रही हैं, जो अपने आप में अद्भुत है। प्रजापति ब्रह्मकुमारी की सरिता बहन ने बताया कि ये सभी बहनें प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करती हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार अभ्यास के बाद ही देवी शक्ति प्राप्त होती है, तब जाकर स्थिरता आ पाती है। राजयोग अभ्यास में ये बहनें अपने को आत्मा समझकर शिव जी का ध्यान करती हैं। अपनी एकाग्रता के साथ ये प्रतिदिन राजयोग के अभ्यास में ईश्वर को याद करके शक्ति प्राप्त करती है और वो शक्ति इन्हें उस देवी स्वरूपा रूप में स्थित कर सकती है। और इसीलिए हम नवरात्रि पर्व में जो चैतन्य देवियों की झांकी लगाते हैं,